اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته अल्मदुल्ला बिने मतीम साल लाहकूत बिल्ला नहमद हो वनसली अला रसूल हिल करीम अम अबादू फाउसुबिल्लाई नजीम रबिश राहली सदरी वी अमरीतानी यफकहू कौली कुरान के मोती पाल्ज ऑफ कुरान आज इसमें से हम करेंगे पारा नंबर ग्यारह या तजीरून और आज हम तस्किया सीरीज में किताब दीन और दुनिया की रोशनी में तोबा का मौजू लेंगे तोबा क्या है तोबा कैसे करें और अमली तोबा क्या होती है हकीकत है कि इंसान अपनी असल के अतबार से गुनाह करता है ममा उबर्री नफसी इन नफ्सल अम्मा रतुम बस्सू तेरवें पारे की पहली आयत में नफ्स की एक कैफियत बता दी गई कि नफ् तो इंसान को गुनाहों पे माइल करता ही है लेकिन अल्लाह सुबह न तला चूके इंसान से मोहब्बत फरमाते हैं लिहाजा वो तोबा का दरवाजा खुला रखते हैं और इस तरह रात का गुनागार दिन में और दिन का गुनागार रात में जब रब के सामने आजजी और शर्मिंदगी के जज्बों के साथ खड़ा हो जाता है तो अल्लाह ताल उसको मुआ फरमा देते हैं अल्लाह तला की मोहब्बत अपने बंदों के साथ बड़ी वाजह है बात ये है कि इंसान खुद अल्लाह से कितनी मोहब्बत करता है तो हम सब देखेंगे कि इस पारे के अंदर तोबा की क्या बात है और कैसे हम इससे अपनी जिंदगी को अपने तस्के की तरफ ले जा सकते हैं और जो अल्लाह की दीवी नेमते हैं उसको उसके रास्तों में ही इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ ये भी चीज अहन में रखिएगा कि कोई ये अगर कहता है कि मैंने तो कभी गुनाह किया नहीं और न जाने ये किसकी बातें हैं तो उससे ज्यादा भोला और ना समझ कोई नहीं चलेंगे तो पाँव पे मट्टी लगेगी कोई उड़ेगा तो गिरने का खतरा होगा ठोकरें भी लगती हैं रास्ते में पत्थर भी आते हैं तो हम इसमें मुख्तलिफ एंगल से जो तोबा को देखेंगे तो उसमें सबसे पहले तोबा की तोबा है क्या ये तो कुछ समझ ही लिया किस बात से करनी है उसकी शराय क्या है और हमारे और हमारी तोबा के बीच में रुकावटें क्या हैं और पारा शुरू होता है आयत 94, फोर सूरत तोबा से जिसमें तबूक के सफर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी निकले और साथियों को भी हुक्म दिया गया आगे जाकर देखेंगे कुछ लोगों की तोबा का तस्करा मुख्तलिफ तरह से लोग अपने पीछे रह जाने वाले को पेश करते आए और उनके साथ मुख्तल मामला होता ही गया जज्वे तबूक में जब लोग कुछ शामिल ना हो सके और इस नेकी से महरूम रह गए जो ही उन्होंने सुना कि अल्लाह के, के नबी वापस आ रहे हैं तो उन्होंने बहाने सोचने शुरू कर दिए पारे के आगाज में ही या आता का लफ्स आता है फिर आयत 94 से पता चलता है कि जब इंसान से नेकी का कोई मौका छिन जाए तो इसको चाहिए कि उजर बहाने बनाकर दूसरों की नजरों में सच्चा बनने की बजाय आकर अपनी हालत को पेश करके माफी की दरख्वास्त कर दे और हकीकत यह कि नबी अलैहि वसल्लम जैसा खूबसूरत लीडर कभी भी मायूस नहीं करता क्योंकि आप लोगों को गुनाहों से बचाने ही के लिए तो आए थे इसी तरह से आइंदा कोई नेकी आ जाए तो उसको लेने के लिए पूरी तैयारी भी करनी चाहिए पिछली जिंदगी में हम में से बहुत सारों से बहुत कुछ हुआ होगा वक्त नहीं दिया अल्लाह के रस्ते में आप देने की कोशिश करें नमाजों में कमी बेशी थी सच्ची तोबा करते हुए अल्लाह तला के रस्तों में अपने आप को कपा दें जितनी नीयत सच्ची होगी अल्लाह आपसे मुझसे उतना ही दीन का काम लेंगे तो आइए जरा अपना मुहासबा करते हैं क्या मैं नेकी से पीछे रहने के बाद सिर्फ उजर तो नहीं करती या आइंदा किसी नेकी के मौके की मुंतजिर रहती हूँ ताकि अल्लाह तला मेरे तर्ज अमल को देखे और आयत नाइन्टी फोर में असर कहानी यह है कि जिस इंसान की ये सोच हो किसने अपने रब के पास पलट कर जाना है तो फिर वो हमेशा अपनी जिंदगी से बेहतरीन फायदा लेना चाहता है अगर किसी को एहसास ही ना हो कि किसी ने कल हमारा काम देखना है कोई जवाबदेही होनी है तो दुनिया में भी आप देखिए बच्चे भी समर का वेकेशन का, का काम नहीं करते कि चेक तो होना ही नहीं टेस्ट लिया जाए और पता चले किसी ने चेक नहीं करना बस में बैठे हैं किसी ने टिकट चेक नहीं करनी तो कोई लेता बहुत थोड़े लेंगे पता क्या चला कि जवाबदेही का एहसास इंसान को सीधा करता है बिल्कुल इसी तरह वली मन खाफ और मकाम रब भी जन आन जब किसी को ये यकीन हो जाता है कि मुझे अल्लाह के सामने पेश होना है जो छुपे और खुले सब की खबर रखता है तो इसी कैफियत को तकवा कहते हैं आयत नंबर हंड्रेड में नेकी के नाते से लोगों के मुख्तलिफ दर्जे बयान किए गए कुछ लोग देहातों में रहने की वजह से सादे और भोले भाले होते हैं जानवरों के साथ उठने बैठने की वजह से मिजाज में जरा सख्ती भी आ जाती है जबकि शहरों में रहने वाले लोग पढ़े लिखे डेलीकेटेड होते हैं अगर गुना में भी रहते हैं तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं और अगर मौका मिल जाए नेकियों का तो और भी आगे बढ़ जाते हैं अल्लाह ने हर एक को उसकी जगह पर रखा है देहात में रहने वाला थोड़ी सी भी नेकी कर ले अल्लाह उसे कबूल करेगा लेकिन अगर कोई दानश्वर है कोई बहुत पढ़ा लिखा और जहनी उफक जिसका बुलंद है तो उसके लिए अल्लाह ने फिर नेकियां भी बड़ी बड़ी रखी है जिनके जहन तेज चलते हैं उनके लिए नेकियों में भी अपनी स्किल्स को लगाने का हुक्म है और इसी तरह से अल्लाह के नबी नफ्सम के मामले में भी हम देखते हैं कि जब कभी किसी को खर्च करने की दावत देते तो लोगों में से कुछ तो उसको जुर्माना और टैक्स समझते ज़कात और सदका देते हुए आज भी कुछ लोगों के दिल तंग पड़ते हैं चीखें निकल जाती हैं और कुछ खुशी खुशी करते हैं फिर दर्जों की बात आती है इसमें अगर हम दुनिया के हिसाब से देखें तो एक क्लास में सौ बच्चे हैं हर एक का टेस्ट है हर एक के ग्रेड फर्क है बहुत सारे पचास साठ फीसद या सत्तर फीसद लेकर पास हो जाते हैं और कुछ ऐसे भी हैं कि जो पोजीशन होल्डर होते हैं चंद एक फेल भी हो जाते हैं बिल्कुल अल्लाह का यही असूल है कि नेकी करने वाले बहुत सारे होते हैं कुछ लोग जो नेकी के काम से पहले तैयार होते हैं रेडी शेडी जैसे कहते हैं ना तैयार होकर बैठे चू ही नेकी का मौका आता है ये उस खिलाड़ी की तरह और उस शिकारी और उस शिकारी की तरह जो पहले से मुंतजिर है और अपने शिकार को देखकर झपट पड़ता है इसी तरह जब लोगों को हिजरत की पुकार मिलती है तो फौरन घर छोड़कर अल्लाह के रस्तों में निकल पड़ते हैं और कुछ वो होते हैं जो पहले से घरों को बेच बाच के समेट के बैठे होते हैं कुछ कहते हैं अच्छा अब देखते हैं हम सोचते हैं अच्छा ये काम खत्म करें फिर हिजरत करेंगे फिर चलते हैं फिर पढ़ते हैं फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो देखा देखी शर्म शर्म में चल पड़ते हैं क्या करें अब ना किया तो दूसरे क्या कहेंगे तो याद रखिए कभी जंग में होता है इंसान कभी महाज पे होता है कभी जिंदगी के किसी मैदान में होता है हम में से हर एक सल्लाह तला उसकी कोशिशों को देख रहा है एक बंदा जुमे से पहले ही मस्जिद में पहुंचकर बैठ जाता है और पूरा सवाब लेता है पहली सफ में बैठना चाहता है दाई सफ में बैठता है बात को अच्छी तरह सुनता है ताकि उसको जर भी मिले और वो फायदा भी उठाए और एक वो है जो बिल्कुल आखिर में आकर दरवाजे के पास खड़ा रहता है क्या दोनों का जर बराबर हो सकता है तो ये अपने आप से पूछते हैं जब नेकी का मौका आता है तो क्या मैं फौरन अमल करती हूँ या मैं इंतजार ही करता रहता हूँ इस सूरत में चूके मुनाफिकीन का तस्करा है गस्बे तबूक के नाते से कुछ की दुनिया में और कुछ की आखिरत में सजा का तस्करा है एक वो किस्म थी कि जिन्होंने अपने कसूर कबूल कर लिए जिन्होंने मान लिया कि वाकई ये मेरा ही कसूर था और मैं ये काम करके अल्लाह को नाराज कर चुका हूँ और कुछ मुनाफिकन थे बहाने करते थे उजर करते थे यानी वो कहते ना उजरे लंग बदतर अस गुना कि गुना तो कर ही लिया लेकिन गुनाह के बाद फिर और भी मामले उनके बिगड़े और मुख्तलिफ तरीके से ये बातें हुई और कुछ ऐसे थे जो सवारियां ना होने की वजह से गए जिनका उजर भी सच्चा था कुछ बीमार थे अल्लाह ने इनको माफ कर दिया एक वो थे जो बगैर किसी उजर के रुके रहे लेकिन दिल के अच्छे थे याद रखिए आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं दिल में ईमान है लेकिन सुस्ती है लिथार्जिक है अभी नहीं अभी थोड़ी देर बाद जाता हूँ उठता हूँ नमाजों के लिए भी लोगों को जाते हुए आप देखेंगे तो अक्सरीत ऐसे ही लोगों की होगी ऐसे लोगों ने आकर अल्लाह के नबी के सामने इकरार किया ये सूरत असल में सूरत तोबा इन्हीं लोगों की वजह से है ऐसे लगता है कि आज के मुसलमानों की भी कहानी है जिनको जमजम भी अच्छा लगता है और जिनको खराब चीजें भी कुछ ना कुछ पीने पिलाने की आदत है जो कुरान भी सुनते हैं और को बेचैन करने लिए आवाजें भी सुनते हैं इनकी आदतें कुछ मिली जुली होती हैं कुछ दुनिया भी आखिर आखरत भी रख लो खलत अमल अनसार लेन सही की कैफियत अल्लाह ने बता दी इसी में तो क्या के दिन इनका मामला मशकूक है अल्लाह जो चाहेगा वो करेगा वो खुद देखेगा हर बंदे को मुझे आपको किसी को कोई राय देने की किसी पे कोई फतवा सादिर करने की जरूरत नहीं हमें तो अपना तक नहीं पता कि हमारे साथ क्या होगा क्योंकि जब हम नेकियां और बदियां दोनों जमा कर लेते हैं तो आखिरी हिसाब फिर अल्लाह के साथ है बात अब हम घर साफ करते हैं नहीं कि पीछे से ही कोई बच्चा गंद फैलाता जाता है पीछे बच्चा कोई ना कोई चीज बखेरता जाता है तो क्या घर साफ होगा तो ये मेरे आपके लिए अमल का एक नुकता है जब हम बड़ी मेहनत से नकियाँ करें रमजान है रोजे रखने आसान नहीं रातों का क्या आसान नहीं और फिर इसी तरह से सदका और खैरत लेकिन क्या मेरी कुछ आदात मेरे उस बैग की तरह तो नहीं है कि जिसमें सुराख है और नकियाँ भी डाल रही हैं और नीचे से गुनाहों के सुराख बदादते कहीं जीपते हैं कहीं अल्लाह का कोई हुक्म तोड़ना है ना फरमानी तो क्या मैं इस तरह के काम तो नहीं कर लेती और इसी तरह से आप देखिए कि जब हम नेकियां भी करें और बदियां भी ना छुटें तो कुछ ऐसे ही है कुछ फर्मा बरदारियाँ हैं तो कुछ नाफरमानिया एक महीने की फर्मा बरदारी तो ग्यारह महीने की नाफरमानी है इंसान को हमेशा अपने बारे में डरना चाहिए और अपने बारे में अल्लाह तला से माफिया मांगते ही रहना चाहिए क्या आप मैं कोई ऐसी सब्जी खाएंगे जो कुछ साफ हो कुछ गंदी हो दाल और चावल को पहले से क्यों साफ किया जाता है ताकि इसमें से कंकर निकल जाए अल्लाह भी आपकी मेरी नेकियों से पहले गुनाहों के कंकर निकालेगा कहें क्या फर्क पड़ता है मुंह में आगे आप थूक देंगे नहीं मजा किरकरा हो जाएगा तो कुछ गुना हमारे नेकियों के मजे को भी किरकरा कर देते हैं अल्लाह हमें उन पर तोबा की तोफीक अता फरमाए फिर आयत वन में अल्लाह तला फरमाते हैं कि मैं अपने बंदे की तोबा कबूल करता हूँ इसलिए बंदे को तोबा करने में कभी भी पीछे नहीं होना चाहिए जो ही नदामत आ जाए शर्मिंदगी आ जाए फौरन चल पड़े करें क्या अगर एक दफा नेकी का मौका हाथ से निकल गया शर्मिंदा हो जाए कोई ऐसी नेकी करें जो अब आपको मुश्किल लगती है मसला अगर रोजा मुश्किल लगता है तो अल्लाह को राजी रखने के लिए नफिल रोजा रखिए नफिल पढ़ना मुश्किल है तो अल्लाह के लिए जाए नमाज पे खड़े हो जाए अगर दिल में माल की मोहब्बत है तो अल्लाह के रस्ते में खर्च करें आप देखेंगे कि पिछले गुनाहों का बोझ हल्का होगा फिर आयत 107 से पता चलता है कि मदीना के अंदर दो मसाजिद थी एक कोबा थी जो मजाफात में थी सबब्स कह लीजिए जो शहर से थोड़ी दूर थी जो लोग उस तरफ होते वो वहां नमाज पढ़ लेते और दूसरी मस्जिद मदीना में थी मस्जिद नबी के नाम से जो मारूफ है ये दोनों जरूरतें उस कम्युनिटी की जरूरियात को पूरा कर रही थी छोटी सी तो बस्ती थी किसी तीसरी मस्जिद की जरूरत नहीं थी लेकिन वहां कुछ लोग ऊपर से उजाहर बड़े नेक लेकिन दिलों में खोट था उन्होंने बहाना बना लिया कि बारिश होती गर्मी सर्दी होती है हमें दूर जाना मुश्किल लगता है हम एक नई मस्जिद बनाते हैं जो बिल्कुल मस्जिद नब्वी के करीब थी और कुबा से भी कुछ दूर ना थी उन्होंने मस्जिद के नाम पर एक मरकज बनाया कुरान ने इधर चार मकासद उनके बताए मजमूम मकासद जिसमें सबसे बड़ा क्या था कि किमत मुस्लिमों को तोड़ना और इरसात था और घात था और वहां खुफिया मीटिंग्स होनी थी ये सब करने वाला शख्स एक राहिब नसरानी था जो मर्त हो चुका था और जिसने अपने आप को सिर्फ एक जहरी चोगे में छुपा कर इस्लाम का रूप धारा हुआ था वो मजहब के नाम पर एक ऐसी इमारत खड़ी करना चाहता था जो कहने को मस्जिद थी लेकिन अल्लाह ने उसको मस्जिद दरार कहा मुसलमानों को तकलीफ देनी थी असल मस्जिद से हटाकर अपनी तरफ माइल करना था और इस तरह से अपना मन पसंद दीन देना था कुफर को अरूज और तकवीत देनी थी ऐसे मकासद के साथ जो इमारतें हों उनको इस्लाम मसाजिद नहीं कहता आज भी देखा जाए दे तो तफर के बाजी के नाम पे पांच दफा लोगों को एक जगह से तोड़कर दूसरी की तरफ बुलाने के नाम पे जब कोई ऐसी मस्जिद बनाई जाए तो उसको डिस्करेज करना चाहिए उनका ख्याल था कि अल्लाह के नबी एक दफा इफ्तताह कर देंगे तो लीगल हो जाएगा हम कह सकेंगे कि जी अल्लाह के नबी ने ये किया था वो किया था उसको एक कानूनी हैसियत देना चाह रहे थे लेकिन अल्लाह के नबी बहुत भोले सीधे लेकिन खैयस थे और जो भी आज भी वही की रोशनी में चलेगा उसका मामला कुछ ऐसा ही होगा आप क्योंकि तबूक की तैयारियों में मसरूफ थे आपने कहा वापस आऊँगा तो नमाज पढ़ूंगा इधर अभी मसरूफियत है लेकिन अब वापसी पे आते हुए अल्लाह ने आयात नाजिल कर दी कि न, ए नबी वो मस्जिद नहीं वो तो घात है तो वो इमारतें जो असल में बकासद कुछ और हों कहीं अपने फिरके कहीं अपने मसलक और कहीं दूसरों से काटने का मकसद हो तो हम मुसलमानों को भी चाहिए कि ऐसी चीज़ों से एवॉड करें और हर वो इमारत जो दीन के नाम पर बने जरूरी नहीं कि वो अल्लाह के दीन को कायम करने वाली हो बस हुआ दीन के नाम पर बेदीनी भी होती है कभी दींदारी के नाम पर दुकानदारी भी होती है एक दूसरे की जिद भी होती है और इसी तरह से ऐसी चीज़ें जहां जरूरत ना हो वहां बनाने की बजाय दूर ऐसी साफ सुथरी मसाजिद बनानी चाहिए कि करीब से लोग आकर नमाज पढ़ सके ये मस्जिदें अल्लाह की होती हैं ये जाती इदारे नहीं हैं ये अल्लाह के नाम पर बनती इनको अल्लाह के नाम पर ही चलना चाहिए फिर आयत वन वन वन, वन इस की खूबसूरत तरीन आयत है वन 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 जिसमें अल्लाह मोमिनों के साथ एक सौदा करते हैं इन अल्लाह हशतरा और ये सौदा जब भी होगा तो उसमें आप देखते हैं कि वादा होता है एक लेने वाला एक देने वाला फिर एक कमोडिटी होती है तो यहाँ लेने वाला अल्लाह है देने वाला ईमान वाला है और जो चीज़ बिक रही है वो जान और माल है हम दुनिया में आने से पहले अपने अल्लाह के साथ वादे करके आए हैं कि अल्लाह इस वक्त को इस जान को माल को तेरे रास्ते में लगाएंगे अल्लाह ने बदले में वादा किया कि मैं तुम्हें जन्नत दूंगा आदम और हवा सलाम जन्नत से निकाले गए और अब अगर वहां वापस जाने की कीमत मांगी जाए तो वो जान और माल है ये ऐसी जैसे आप किसी जगह सफर करने जाते हैं तो वापसी का टिकट साथ ले आते हैं तो जन्नत में जाने की कीमत आपकी मेरी जान और माल है और ये दोनों चीजें बंदे को बड़ी प्यारी होती हैं हम इन्हीं को तो संभालते रहते हैं कि तू बचा बचा किनारा से कि तेरा आई ना इस आईने को बचाते रहते हैं हालांकि अगर ये शिकस्ता तर हो जाए तो अल्लाह की निगाहों में ज्यादा हसीन हो जाता है मुराद क्या है खुद को अल्लाह के रास्ते में बेचने से और वो कह कि इनको के इनको अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल करो जो अल्लाह नेकाम दी उसको अपने जिसम पे अपने माल पर अपनी जत पे लगाओ शर्मिंदगी महसूस ना करो उसके दिए हुए तौर तरीकों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ और माल को अल्लाह के रास्ते में लगाने का मतलब क्या कि अपना भी खाओ अपने रिश्तेदारों को भी दो अपनी जरूरतें जैसे पूरी करते हो तो अल्लाह के रास्ते की जरूरतें भी खुद पूरी करो जो बच जाता है वो रब को दे दो रब तुम्हें कभी भूखा नहीं रखेगा कल तुम पे कोई खर्चा आएगा तो रब तुम्हें उस बैंक से ज्यादा नफा देगा कि जिसमें तुम साल हर साल माल रखकर सिर्फ मुस्तकबिल के लिए बचत करते रहते हो बस आप देखिए कि एक गाड़ी थी अब आप उसको बेच चुके तो उस पर आपका इख्तियार तो नहीं है ना आप ये तो नहीं कह सकते कल फोन करके कि तुमने गाड़ी ठीक नहीं रखी लाओ मुझे दो करो वो कहेगा मैंने आपको बेच दी आपने मुझको बेच दी अब आपका हक नहीं रहा तो हमारे जिसम बिके हुए तो फिर क्या मेरा माल मेरा जिसम मेरी मर्जी नहीं खुद से चंद सवाल करते हैं क्या मेरा माल अल्लाह के हाथ में बिक चुका है क्या मैं अपने आप को एक बिकाऊ माल समझती हूँ क्या मैं अपनी जान को अपनी जान समझता हूँ या अल्लाह की अमानत क्या मैं अल्लाह से किए हुए सौदे पे खुशियाँ भी मनाता हूँ क्या मैं अपने जिस्म को अल्लाह की राह में खपाता हूँ अल्लाह बीमारी दे दे तो क्या मैं परेशान तो नहीं हो जाता क्या मुझमेंूब की तरह का सब्र है क्या मुझे दीन की जरूरियात अपनी जाती जरूरतों से बड़ी लगती हैं क्या दीन की तरक्की मुझे अपनी जती तरक्की से बड़ी लगती है इस तरह के छोटे छोटे सवाल खुद से करते जाएंगे तो अल्लाह के रस्ते में दिल खुलता ही जाएगा फिर आयत हंड्रेड में हमारे लिए मुहासफे का एक नुकता और वो क्या कि क्या मेरे अंदर इब्राहीम जैसी दर्दमंदी है खुदा तरसी है नरम दिली है क्या लोगों की बेदीनी पे मेरा दिल कुड़ता है फिर इसी तरह वन फिफ्टीन में एक और खूबसूरत असूल है कि अल्लाह की पकड़ ऐसी ही नहीं आ जाती कि लोग भोले होन जाने में बैठे और एकदम अल्लाह की पकड़ आ जाए बल्कि अल्लाह पहले हजत तमाम करते हैं फिर उसके बाद बात होती है क्योंकि अल्लाह के नबी सल्ला वसलम के दगिर्द के जो लोग थे पहले उनसे पे हुज्जत तमाम हुई थी फिर उसके बाद बात हुई थी आज मत मुस्लिमों को अल्लाह ने जब ये काम दिया कि तुमने जाकर जंगलों में गारों में पहाड़ों में और कोने खुदरों में जाकर अपने प्यारे नबी का ये पैगाम देना है अगर आज आप पर मैं नहीं दे रहे तो दूसरे बेनिफिट ऑफ डाउट ले जाएंगे और कल हम पकड़े जाएंगे कई ऐसे लोग हैं जो बेचारे सुन नहीं सकते बोल नहीं सकते उनको क्यामत के दिन बुलाया जाएगा उनका हिसाब लिया जाएगा सामने दो दिखा कर कहा जाएगा इसमें कूद जाओ कुछ कहेंगे ठीक है जब अल्लाह ने कहा तो ऐसा कर लेते हैं कुछ अकड़ जाएंगे एतराज करेंगे हम क्यों करें हमारा क्या कसूर है आप भेजते किसी को हमें सुनने वाला बनाते बस अल्लाह तला कहेंगे वो जो पहले कूद गए ना इन्होंने अंबिया की बात मान लेनी थी और ये जो आज वैसे हमसे कर रहे हैं इन्होंने कल नबियों से भी करनी थी तो लिहाजा अल्लाह से कुछ छूट नहीं सकता आज भी इनको पकड़ कर अल्लाह ताला जन्नत में भेज दे और या अल्लाह ताला उनको उनकी बेदीनी पे ऐसे ही पकड़ ले और सजा दे दे ये उसके ऊपर है लेकिन आपका मेरा काम क्या है कि हम अल्लाह के गजब से बचने की खुद भी कोशिश करें और दूसरों को भी इसकी दावत दे फिर एक और चीज़ भी हमें समझ आती है और वो क्या है कि अगर किसी को भी आप कोई काम दे तो उसको साफ हिदायत दे क्या करना है क्या नहीं करना बहुत सारे ताल्लुक के बिगाड़ की वजह यही मिस अंडरस्टैंडिंग होती है हम अपने बच्चों से कुछ उम्मीदें लगाते हैं पर उनको नहीं बता पाते शोहर और बीवी के बीच में ताल्लुक की खराबी भी एक दूसरे के मिजाज से लाइलमी होती है फिर आयत वन सेवनटीन वन एटीन वो आयात जिनकी वजह से इनको सोरत तोबा कहते हैं काप बिन मालिक हिल बिन उमैया और मुरारा बिन रबी सच्चे मोमिन दो तो बदर में भी शर्क हो चुके थे अल्लाह के रस्तों में कुर्बानियाँ दे चुके थे अल्लाखलाक वाले थे लेकिन महज सुस्ती की वजह से हजव तबूक से पीछे रह गए बिल्कुल ये दिल में नहीं था कि हम नहीं जाएंगे और सही बुखारी में क़ाब बिन मालिक के बारे में चार पाँच सफ़ों पर मुहित एक हदीस है मैं आपको दावत दूंगी कि आप दौरे कुरान दो हज़ार बाईस ट्वेंटी ट्वेंटी टू का इंट्रो सुन लीजिए अलेवंथ बारे का तकरीबन फोर्टी फाइव मिनट पर हमने सिर्फ एक इस हदीस को पढ़ा और इनसे मैं से अमल के नुकते लिए कि कैसे काबिन मालिक जो आखिरी उम्र में नाबीना ना हो चुके हैं बुढ़ापे में अपने पोते को जंगली पकड़कर मस्जिद ले जाता था अपनी कहानी सुनाते हैं खुलासा उसका बस इतना ही है कि सेहत माल और ताकत होने के बावजूद भी जब हम अल्लाह के रस्ते के तकाजे पूरे नहीं कर पाते तो फिर अल्लाह को हक है कि वो हमें इसकी दुनिया में सजा दे या ना दे दुनिया में सोशल बाइकआउट किया गया इनसे चालीस से फिर पचास दिन पर डाल दिया गया बीवियों को भी अलग कर दिया गया मदीने की गलियां इनके लिए ऐसे लगी कि अजनबी बन गई हैं और कोई बात नहीं करता क्या खूबसूरत डिसिप्लिन था और ये सिर्फ डेली डेली की वजह से रुक हालांकि इसबाब सबसे ज्यादा थे उस वक्त लेकिन जब वो गुजर गया तो फिर हिम्मत भी टूट गई और कैसे फिर अल्लाह के नबी के चेहरे पर खुशी आई जब इनकी तोबा के एक हुक्म आ गया और फिर वही मदीने वाले जो कल तक अजनबी थे वो इनको मुबारकें देने लगे और इन्होंने इस खुशखबरी में कहा कि अल्लाह के नबी अगर आप चाहें तो मैं अपना सारा माल अल्लाह के रस्ते में दूँ देखिए किसी बंदे की सबसे बड़ी खुशी कि उसका रब उसको माफ कर दे आपको मुझे आज अगर इस बात का यकीन हो जाए कि हमारा रब हमें माफ कर देगा तो आप सोचिए कि इसके बाद और क्या चाहिए इसके बरक झूठ बोलकर हो सकता है वक्ति तौर पर अल्लाह के नबी को राजी कर लेते लेकिन वहां नाराजगी हो जाती तो इससे क्या पता चला जो दूसरी नीयत इन्होंने की थी कि अल्लाह के, के नबी आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि सच बोलने की वजह से अल्लाह ने मुझे माफी दी है अल्लाह के नबी के भी दिल में दुख था जो इनके साथ हो रहा था लेकिन कभी कभी हम में से हर एक को अपने बच्चों को अपने स्टूडेंट्स को तरबियत देने के लिए कोई सख्त कदम उठाना पड़ता है तो आपके मेरे लिए इसमें बहुत बड़ी मोटिवेशन है आप जरूर सुनिएगा इनका वाक्य और इससे जो इंसान के अपने मुहाफबे के नुकते खुलते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा है जब इंसान अल्लाह की अदालत में खुद को पेश कर देता है तो फिर जवाब का इंतजार भी करना पड़ता है फिर इसी तरह से आप देखिए कि इसमें जब सूरत पूरी होती है तो अल्लाह के नबी की खूबसूरतियाँ एक अच्छा लीडर कैसा होना चाहिए कैसी मुहबतें होती हैं अपने साथियों के साथ अच्छे तरीके से बात करने वाले उनको स्पेस देने वाले हैं अल्लाह के नबी का हक हम अदा कर नहीं पाते लेकिन बहुत जरूरी है कि आज हम कुरान सीखें जो अल्लाह के नबी पे नाजिल हुआ आपकी सीरत को पढ़ें आपकी हदीस को पढ़ें क्योंकि जिससे मोहब्बत होती है उसके मामले में इंसान बिल्कुल ऐसे ही करता है और इन हम जब इस पारे को तोबा के जिम्मन में देखेंगे तो इस बात का यकीन आ जाएगा कि गुना एक धब्बा है इसको जल्द से जल्द धोना पड़ेगा दाग और धब्बे जितने पुराने होने लगते हैं उतना ही ज़्यादा फिर इनके असर ज्यादा गहरे होते हैं कपड़े पे खाना गिर जाए फौरन धो लीजिए तो उतर जाएगा थोड़ी सुस्ती करेंगे तो फिर साबुन भी लगाना पड़ेगा और जरा थोड़ा डेली डेली करेंगे तो हो सकता है ब्लीच डालना पड़े पकाना पड़े इसी तरह गुना पक्के होते जाते हैं और कुछ अल्लाह के मामलों में कुछ बंदों के मामलों पे तो जरूरत है इस बात की कि हम एंड पे तोबा को बेहतरीन तरीके से समझ लें तो तोबा क्या है दरअसल ईमान और मार्फत का हासिल करता एक नूर है ये वो नूर है जो इंसान के अंदर होता है जिसकी वजह से इंसान को गुना जहर लगते हैं उसको हर गुना डसने वाला सांप लगता है उसके दिल में ये एहसास हो जाता है कि अगर मैंने गुनाहों के जहर को अपने जिस्म में ही रखा तो ये तो मुझे हलाक कर देंगे और ये एहसास और नदामत ही तोबा है नदमत तोबा दो लफ्जों की हदीस नदामत यानी गिल्टी फील करना यही तोबा है कभी कभी इंसान गलती से कोई चीज खा लेता है एहसास होते ही फौरन हलक में उंगली डालकर उसको उगल देता है क्योंकि उसका स्टमिक खराब ना हो जाए बिल्कुल इसी तरह एक शख्स जब गुनाह करता है तो फिर उसको उसकी शिद्दत महसूस होती है तो वो फौरन उसको उगलना चाहता है इसी उगलने का नाम तोबा है हमें अपने गुनाहों का बोझ ले लेकर नहीं चलना जहाँ एहसास हुआ ये गट्ठड़ गुनाहों का है उसको उतार कर किसी की मदद ले लीजिए कुछ कर करा लीजिए लेकिन अपने आप को उससे दूर कर लीजिए कभी जानते बूझते सांप को हाथ में नहीं पकड़ेंगे शक भी पड़ जाए तो रस्सी भी छोड़ देंगे कभी कभी बच्चों को मसनू खिलौनों में ऐसी चीजों से डराया जाता है देखकर भी खौफ आता है क्या आप एक नकली सांप से डरे और अल्लाह से ना डरे जहनम से ना डरे आग जैसी चीज से भी दूर भागे तो गुनाहों की आग से हम दूर ना भागें क्या वजह है आखिर गुना होता क्यों है लिखिए वो है ख्वाहिश आदम और होवा से भी जो फल चखने का गुना हुआ था वो ख्वाहिश पैदा की थी इबलीस ने और उसी की वजह से फिर मामला आसान होता गया तो अपनी ख्वाहिशों पे पाँव रखिए मजीद अपने आप को गुनाहों में नहीं जाने देना अगर एक्सीटर पे पाँव था तो अब ब्रेक पे पाँव रखना है और नेकियों की सूरत में गुस्ल का नाम तोबा और हर शख्स पे तोबा वाजिब है जो बाले गए कल कुफर पे था अब इस्लाम पे आ गया तोबा वाजिब है इसी तरह से आप देखिए कि नादानी से इल्म की तरफ आ गए जहालत से खैर पे आ गए तो हमारा काम क्या है कि हम अपनी जिंदगी को हमेशा चेक करते रहें तो जरूरत होती है इस बात की कि हमें जो ही एहसास हो जाए हम अपने आप को अल्लाह की तरफ ले आए और कुछ गुना जो कबीरा गुना होते हैं वो तो इस दर्जे के होते हैं कि जिससे ईमान के जाने का खतरा होता है हदीस में आता है जानी जिना करते वक्त मोमिन नहीं रहता ईमान रुखसत हो जाता है चोर चोरी करते वक्त मोमिन नहीं रहता तो जो गुनाहों को जहरे कातिल समझेगा उनको फौरन दूर करने की कोशिश करेगा अल्लाह तला हमें आपको अपने अपने गुनाहों पर माफी मांगने की तोफीकता फरमाए और याद रखिए जब गुना को गुना ही नहीं समझेंगे तो तोबा कहाँ होगी फिर इस तरह कुछ गुना सगीरा होते हैं कुछ कबीरा होते हैं छोटे गुनाहों को अल्लाह खुद बहुत माफ करता रहता है जैसे कि आप देखें रात चलते पाँव पे मट्टी पड़ती है तो इसी तरह गुनाहों की मट्टी अल्लाह माफ कर देता है लेकिन कबीरा गुनाहों पे माफी मस्ट है कुछ सगीरा गुनाह बार बार करने की वजह से इंसान को कबीरा की तरफ ले जाते हैं और कबीरा पे इसरार कुर पे ले जाता है तो बहुत बड़े बड़े इसबाब हैं कि जिनको अगर नजर में रखें तो अल्लाह ताला गुनाहों को पीछे करता है इस पे भी कबायर और सगायर के नाम पे पूरी सीरीज मौजूद हैं हम सब का हक बनता है कि हम ये सब सुने ये मुख्तसर से से सेशन असल में हमें अपने बारे में सोचने पर माइल कर रहे हैं और हम सब एक से एक करके अपने आप को साफ करते जाएंगे और अल्लाह तला हमें माफ़ करेगा इन शल्ला अल्लाह तला से दुआ है कि वो हमारे सारे छोटे बड़े गुनाहों को माफ करे और वो हर सबब जो कि हम तोबा की तरफ ले जाने वाले कामों को इख्तियार कर सके वो इतिर अल्लाह तला हमें ता फरमाए नदामत भी पैदा करना है छोटे छोटे गुनाहों को बड़ा समझिए इसी तरह से याद रखिए कि हर गुनाह रब से दूरी है अल्लाह तला आपको मुझे अपने करीब रखे कभी कभी गुनाहों को खूबसूरत भी करके दिखा देते हैं शैतान कभी कभी इंसान फख्रिया तौर पे कुछ गुनाह करते हैं कभी मजे के नाम पे करते हैं कभी खुशियों के नाम पे करते हैं कभी वीकेंड के नाम पे करते हैं तो गुनाह को आग समझिए सांप समझिए तो इन पक्की सच्ची तोबा इसमें अल्लाह तला हमारे लिए आसानियाँ करेगा इसी में अगर हम आयतवान ट्वेंटी में देखें तो अल्लाह के रस्ते की भूख बर्दाश्त करने की बात है प्यास बर्दाश्त करने की बात है इन रस्तों पर चलने की बात है मुश्किलात को बर्दाश्त करना है और अल्लाह तला से दुआ है कि वो हमारा एक एक कदम अपने रस्तों में ले जाए कभी भूल चूक में गलत रास्तों पर चल गए निकल गए तो अल्लाह तला उसको माफ़ कर दे और इसी तरह से पूरी सूरत भी, और इसके बाद पारे के एंड तक हमें एक एक जुमले में अपने लिए तोबा का मफहम भी लेना है और अल्लाह तला से ये दुआ करना ही है कि वो हमें आफियत में रखे खासतौर पर सूरत तोबा की आखिरी आयात जो हैं वो सुबह शाम की दौ में साथ साथ पढ़ बार पढ़ने का अल्लाह के नबी से भी अमल मिलता है कि जिसमें फरिश्ते मकर हो जाते हैं उस बंदे की हिफाजत के लिए और अल्लाह ताला आपको मुझे आसानियों में ले जाए तो आप सूरत अनफाल और तोबा चूके मदनी सूरतें थी उसके बाद फिर मक्की सूरतें शुरू हो जाती हैं जिसमें सिर्फ तीन ही बातें हैं जिसमें सूरज यूनस को अगर हम देख लें तो उसमें इंसान के अकायद की असलाह है अल्लाह तला से ताल्लुक रसूल से ताल्लुक और आखरत से हमारा मामला कैसा हो सकता है और अल्लाह तला जितना ज़्यादा हमें अपनी फिक्र लगाएगा उतना हम इन सारी चीज़ों को करते जाएंगे अम्बि कराम का भी सारी जिंदगी यही पैगाम रहा कि लोगों अपने पिछले गुनाहों को छोड़ दो और आइंदा इसलाह की तोफीक दे मांग लो अल्लाह तुम्हारे पिछले माफ कर देगा कभी कभी हम तोबा तोबा करते रहते हैं हजरत अली ने किसी को इसी तरह से देखा तो फरमाया ये तो झूठों की तोबा तोबा तो वो बोती जिसमें शर्मिंदगी हो नदामत हो और अल्लाह ताला आपको मुझे शर्मिंदगी के एहसास के साथ अपने गुनाहों पे तोबा करने ला बना दे सुबहाना कल्लामदी का अशहद्लास्त फिर बतूब असल वरहमत أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن